जी हाँ नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी खबर है, मनोहर लाल खट्टर के साथ दुर्व्यवहार, पंजाब के विधायकों को पड़ा महंगा एफआईआर दर्ज करने के आदेश। आखिर क्या है मामला, कृपया वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सटीक खबरें हमारे चैनल पर दी जाती है। हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने दो दिन पहले राज्य विधानसभा भवन के बाहर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने के लिए पंजाब के विधायकों के एक समूह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का फैसला लिया है। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में यह राज्य के गृह सचिव राजीव अरोड़ा और पुलिस प्रमुख मनोज यादव के अलावा अन्य वरिष्ठ सरकारी और विधानसभा के अधिकारी शामिल थे। एक अधिकारी ने कहा कि बैठक में मनोहर लाल खट्टर की सुरक्षा के लिए तैनात उन पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्णय लिया जाए जिन्होंने अपने कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही बरती। हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने जिस घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही वह बुधवार को हुई थी, जब पंजाब के श्रोमणी अकाली दल के विधायकों के एक समूह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को कथित रूप से घेर लिया था और उन्होंने हरियाणा विधानसभा में तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करने की मांग की थी। अधिकारी ने कहा कि खट्टर के साथ सीएम विधायकों ने कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया था। हरियाणा विधानसभा सचिवालय के एक बयान में कहा गया कि इस घटना की जांच हरियाणा और चंडीगढ़ के अधिकारियों की संयुक्त टीम करेगी। गुप्ता ने कहा कि इस मामले को सोमवार को हरियाणा विधानसभा में भी उठाया जाएगा। बने रहे हमारे चैनल के साथ, धन्यवाद।